मेरे चैनल ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें और ये एकदम फ्री है। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्पेशली सेकंड ब्लॉग टू अलवर। एज आई टोल्ड यू, अगर आप अलवर जाते हैं तो आप डेफिनेटली ड्राइविंग ज़रूर इन्जॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, एकदम स्मूथ रोड्स हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है एंड बहुत ही कम क्राउड है। तो आप कुछ प्लेसेस जो आप देखने जा रहे हैं वो लाइक करें या ना करें, बट यहाँ की ड्राइविंग डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। और सबसे पहले हम जा रहे हैं भानगढ़ फोर्ट, जो आप सभी ने डेफिनेटली सुना होगा, हॉन्टेड फोर्ट है। चलिए चलकर देखते हैं कि उसमें एक्चुअली कुछ हॉन्टेड है भी या नहीं। तो आप देखने से फील कर सकते हैं कि कितनी अच्छी रूट्स हैं, ड्राइविंग में कितना मज़ा आ रहा होगा। हमें बहुत मज़ा आया यहाँ जाके, यहाँ की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चला। हालांकि रास्ता 1 घंटे से ज़्यादा का ही था, बट बिल्कुल पता नहीं चलता, बहुत इंजॉय किया। जो डिस्टेंस है अलवर से भानगढ़ का वो है अराउंड 90 किलोमीटर्स, और जो आप राइड है वो है अराउंड 2 आवर्स की। तो वो बहुत आप बिल्कुल हैक्टिक नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, बहुत अच्छी रोड्स हैं और व्यू बहुत अच्छा है, एज यू कैन सी इन दिस ब्लॉग। और आप 2 घंटे आसानी से निकल जाएंगे इन्जॉय करते करते, तो आप वो ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। अभी हमें भानगढ़ पहुंचने में तो टाइम है, 2 घंटे काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो चलिए अभी हम ड्राइव इंजॉय करते हैं, अच्छा अच्छा व्यू देखते हैं। वाओ, कितना अमेजिंग व्यू है, आई एम श्योर आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। ये हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये 5 बजे भानगढ़ फोर्ट बंद कर देते हैं। ये है मेन एंट्रेंस भानगढ़ का। यहाँ पर बहुत सारे बंदर और लंगूर हैं। ये उस गेट के एंटर करने के बाद ये पहले मार्केट एरिया हुआ करता था, सिर्फ अब ये वॉल्स बचे हैं थोड़े बहुत, इनके टेरेस किसी की भी नहीं, सबकी गायब है। तो ये फोर्ट के बाहर का एरिया है जो कि पहले मार्केट एरिया होता था, और आई थिंक ये मार्केट काफ़ी बड़ा हुआ करता होगा, काफ़ी लंबा है, दोनों साइड बहुत सारी शॉप्स हैं, है नहीं जो थी पहले, अब तो सिर्फ वॉल्स बचे हैं। एंड ये है फोर्ट का एंट्रेंस आफ्टर मार्केट, और ये है एक टेंपल जो कि फोर्ट के अंदर है एंटर करने के बाद। इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है ये, और ये सारे अंदर फोर्ट एरिया है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। मेन फोर्ट ले लो ऊपर चले। इस टेंपल को क्रॉस करने के बाद भी काफी आगे तक है ये फोर्ट, चलिए चलते हैं। ये है फोर्ट, ये काफ़ी ऐसे आप जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ऊपर तक है, एंड ये बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, हमने कोई गाइड नहीं किया था ऐसे ही घूमे, कि कौन कहाँ रहता था उसका आई हैव नो आइडिया। बट ये जैसे आप ऊपर लोग देख रहे हैं चढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ऊपर तक है ये, और नीचे फोर्ट के अंदर सब टूटा फूटा पड़ा है, ये स्टेयर्स से ऊपर जाना है। साइड्स में बहुत सारे रूम्स हैं, एकदम भूल भुलैया सा है, आई थिंक सारे फोर्ट्स ही ऐसे होते हैं। मतलब अगर आप ग्रुप में आए तो बहुत अच्छा है घूमने के लिए, अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करें, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट टाइप भी है। देखिए टेरेस किसी की नहीं है, सबकी दीवारें बची हैं, सब टूटा फूटा टूट चुका है, सिर्फ पत्थर पत्थर बचे हैं। पर ये जब फोर्ट हुआ करता था डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, आई एम श्योर। ये हम फोर्ट में ऊपर की साइड पहुंच चुके हैं, और ये काफ़ी हाइट पर है। देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ब्यूटीफुल नेचर। सो ये तो था भानगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत ही हॉन्टेड है,
ऐसा बोलते हैं, पर मुझे इसमें कुछ हॉन्टेड जैसा लगा नहीं। अब हम जाने वाले हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व भानगढ़ फोर्ट से अराउंड 52 किलोमीटर्स है और अराउंड 1.5 आवर लगेगा पहुंचने में। ये ड्राइव भी बहुत अच्छी है, विदाउट एनी ट्रैफिक, ब्यूटीफुल नेचर एंड वेरी स्मूथ रोड्स। अब हम पहुंचने वाले हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व और यहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हम अपनी कार लेकर भी अंदर जा सकते हैं, 250 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं, बट पर्सनल कार से अंदर किसी कच्चे रास्ते पे जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो मेन ट्रैक बना हुआ है उसी पे जाते हैं और यहां पे टाइगर देखने के चांसेस आई थिंक चांसेस है ही नहीं। अगर सफारी करते हैं तो सफारी वो उनके अपने शायद अंदर कुछ रास्ते होते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि कहाँ देखने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डस्ट भी थी तो सफारी में तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता देख पाना। इसके अलावा यहाँ पे और जो एनिमल्स हमें देखने को मिले ये हैं, डियर फैमिली के हैं, 3-4 टाइप्स के, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है, पर एक कोई सांबर है जिसपे पैचेस पैचेस बने हैं जिसकी बॉडी पे और ऐसे सीन हैं बहुत सारे। और उसके अलावा एक है सांबर, सांबर और इसमें चीतल में जो मैंने डिफरेंस देखा कि सांबर की बॉडी पे कोई पैचेस नहीं होते हैं वो है, और ये हैं लंगूर। लंगूर और पीकॉक तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक लंगूर तो हमारी गाड़ी की छत पे भी जंप कर गया था। अच्छा हाँ, जब हम इसमें एंटर करते हैं तो वो एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं, उस कार्ड पे ट्रैक बना हुआ है। पहले तो वो 10 किलोमीटर स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद वो रोड डिवाइड होती है 2 रास्तों में जो अलग अलग जगह पे जाती है। अगेन एक साइड आई थिंक 11 किलोमीटर है, दूसरी साइड पे 10 किलोमीटर। तो हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि हमें और कोई एनिमल्स देखने को मिले, पर यही सब एनिमल्स हैं वहाँ पे। सो इस टाइगर रिजर्व के अंदर टोटल अराउंड 20 किलोमीटर्स वन साइड की ड्राइव है, आना जाना 20-20-40 हो जाएगा अराउंड। और लंगूर तो बहुत ही सारे हैं यहाँ पर, और एंड में एक टेम्पल भी था। हमने जो जाने के बाद हमने लेफ्ट वाले ट्रैक पे गए थे, मुझे वो याद नहीं है कि उस रास्ते का वो किधर जा रहा था, बट एंड में वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टेम्पल था, आई थिंक लोग वहीं पे ज़्यादा जा रहे थे। तो अगर आपको टाइगर देखना है तो आप बेटर है कि सफारी करें, और वेदर ऐसा नहीं हो गर्मी वाला कि उसमें डस्ट डस्ट पकड़ लें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो वेदर भी थोड़ा ऐसा कि बारिश के बाद जाएं, अदरवाइज ड्राइव तो अच्छी है ही। तो बस चलिए आप भी मेरे साथ बस ड्राइविंग एंजॉय करते रहिए, जानवर तो यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ऐसे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ऐसे डेंजरस वाले एनिमल्स हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे पैदल भी घूम रहे हैं तो ऐसे वाले तो नहीं होंगे। टाइगर होगा तो अंदर जंगल में हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स भी हम लोगों से डरते हैं, तो जहाँ क्राउड होता है या भीड़ होती है या फिर कोई ऐसे लोग आते जाते हैं वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि टाइगर आएगा। सो आई होप आपको भी मेरे साथ ये व्लॉग में मज़ा आया होगा, अभी आपको भी मैंने अलवर घुमा दिया जैसे मैंने घूमा। तो अगर आपको मेरे चैनल को अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।